जी मामी जी, क्या क्या तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानते, अगर अगर उन्हें पता चल गया तुम यहां पर हो तो वो चाचा चाची का कत्ल तुम पे डाल देंगे। तुम नहीं जानते वो कैसे पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जाओ यहां से, जाओ तुम यहां से। मैं यहां से वापस जाने के लिए नहीं आया, मैं अब यही रहूंगा और पीर अनीस से अपने मामा मामी का बदला लूंगा। जिस तरह से उसने मेरे मामा मामी को मारा है ना, मैं जब तक उसे ट्रेन की पटरी पे उस तरह ना गिरा दूं, मुझे मुझे चैन नहीं आने वाला। कैसे मारोगे तुम, कैसे मारोगे तुम उन्हें, कैसे लोगे तुम उनसे बदला? तुम्हें अंदाजा है कितने ताकत वाले लोग हैं वो? इस पिस्तौल की एक गोली से ना की सारी ताकत ढेर हो जाएगी। ये क्या है और कैसे आई ये तुम्हारे पास, कैसे आई तुम्हारे पास? और मुझे एक बात बता, अगर तुमने उन्हें मार भी दिया तो तुम क्या खुद बच जाओगे? मुझे तो अब अपनी जान की परवाह ही नहीं है। तो उस वक्त को जब मैं मामा मामी को अकेले छोड़कर चला गया, ना मैं यूं जाता ना आज ये सब। सफर, मेरी बात सुनो, हमें हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। और रही बात उस पीर अनीस की, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर तुम अभी यहां से जाओ, जाओ तुम यहां से। कैसे कैसे सजा मिलेगी उसे? ये बात आप भी जानते हैं कि कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला खुद लेना पड़ेगा। वैसे भी ज़हीर भाई, मैं जिनके लिए जिंदा था, अब जब वो लोग नहीं रहे तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? अरूसा के लिए, तुम्हें अरूसा के लिए जिंदा रहना। सोचो जरा, अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अरूसा का क्या होगा? अरे सफर, उस बेचारी का तो तुम्हारे सिवा कोई और सहारा भी नहीं है। तुम वापस अरूसा के पास फौरी जाओ। और तब तक वापस ना आना जब तक मैं तुम्हें, जाओ तुम वापस, जाओ वापस, तुम बस जाओ। भरोसा रखो मुझ पे जफर, भरोसा रखो। मैं दिलवाऊंगा सजा पीर अनीस को। अगर चाचा चाची के कत्ल की मैं सजा ना दिलवा सकूं तो जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम जाओ, खुदा रहा तुम यहां से जाओ। जफर, तुम नहीं जानते कैसे यहां की पुलिस और वो लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जाओ यहां से।
चाचा और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, तुमने सोशल मीडिया चेक की? तुम्हारे इंटरव्यू ने तो आग लगा दी। हर तरफ इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है। टॉक ऑफ द टाउन बन गए तुम। तुम्हारा नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इन सब बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये बताओ हमारा काम हुआ कि नहीं। थोड़ा सब्र करो, सब हो जाएगा। आज दो चार और इंटरव्यू लाइनअप किए हैं तुम्हारे लिए। बस तुम ये टेम्पो गिरने मत देना। जो आग कल तुम्हारे इंटरव्यू ने लगाई है वो भड़कनी चाहिए, ठंडी ना पड़े। तुम उस सबकी फिक्र छोड़ो, बस ये समझ लो कि किसी अरे गरे जर्नलिस्ट के सामने नहीं बैठेंगे हम। हमारे कैलिबर का आदमी होगा तो ही इंटरव्यू होगा, वरना बीच में से उठ के आ गए तो हमें नहीं कहना। तुम जानते हो मीडिया को, इन्हें सिर्फ रेटिंग चाहिए और इस वक्त तुमसे बढ़कर कोई रेटिंग इन्हें नहीं दे सकता। अब हर चैनल और हर एंकर तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए दौड़ेगा। तुम्हारा जिसको दिल चाहे उसे इंटरव्यू दो। ठीक है, रखते हैं।